ये हमारा स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर है, और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को स्टडी करने के लिए कुछ बेसिक डेफिनेशंस पहले हम करेंगे, और इससे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स क्या है और क्यों स्टैटिस्टिक्स की हमें जरूरत पड़ती है अगर हमने किसी गैसेस या मॉलिक्यूल्स में सिस्टम स्टडी करना हो तो। क्योंकि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जो है बेसिकली हम यहाँ पे डील करेंगे चीजों की, लेट अस अज्यूम लिक्विड्स या फिर मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में। तो मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें क्या है, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैं कंसीडर कर लेती हूँ, दैट इज यहाँ पे है 10^24 मॉलिक्यूल्स। तो क्योंकि 10^24 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे इस पूरे सिस्टम में, तो 10^24 जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर एटम कह लीजिए, इनका इंडिविजुअल पार्टिकल का जो है, इंडिविजुअल पार्टिकल का नेचर जानना जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होगा। ओके, बहुत डिफिकल्ट है एक एक मॉलिक्यूल का स्टडी करना। तो हम क्या करते हैं, अपना जो सिस्टम है, दिस इज योर सिस्टम, इस सिस्टम को हमने डिवाइड कर दिया सब सिस्टम्स में। तो सब सिस्टम हमारा कैसा होगा, वो इक्वली डिवाइड करना है आपने। ओके, जब इस सिस्टम को सब सिस्टम्स में डिवाइड किया, ध्यान रहे ये सब सिस्टम जो है आपके इक्वल होने चाहिए। तो अब क्योंकि यहाँ पे तो हम काउंट कर सकते हैं कि नंबर जो है इसका, सब सिस्टम का नंबर जो है वो इतना है, बट ये नंबर जो है ये भी बहुत ज्यादा नंबर होगा। मान लीजिए ये जो सेल बन रहा है ये 10^5 समथिंग है। ओके, तो मींस इस सिस्टम के, ये जो सिस्टम आपका कंप्लीट सिस्टम है, दिस इज डिवाइड इनटू सब सिस्टम्स, ये आपने डिवाइड कर दिए सब सिस्टम्स में। अब सब सिस्टम्स कितने हैं, 10^5, और हर एक में मॉलिक्यूल कितना है वो हमें नहीं पता है। ओके, मान लीजिए 10^5 जो है, अगर ये आपके सब सिस्टम है, नंबर ऑफ सब सिस्टम, तो हर एक का सिस्टम में, सब सिस्टम में मान लेते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है 10^3 है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, तो 10^3 या 10^2 मान लेते हैं, या 1000 मान लीजिए, थोड़ा कम नंबर रखेंगे, तो हर एक सब सिस्टम जो है वो इतने ही नंबर से बना होगा, क्योंकि हमने इक्वली डिवाइड करा है ये। तो हम क्या करते हैं, एक सिंगल सिंगल सब सिस्टम की प्रॉपर्टीज जाननी है, सिंगल सब सिस्टम की हम प्रॉपर्टीज जान लेंगे, उसका नेचर जान लेंगे कि वो कैसा है। तो देखिए, अगर हमने सिंगल सब सिस्टम का नेचर जान लिया, तो इसी तरह से ये सारे जो सिस्टम सब सिस्टम्स हैं, ये पूरे ओवरऑल हमें क्या देंगे, सिस्टम की जानकारी। ओके, तो एक सिंगल सब सिस्टम को स्टडी करने का, उसकी प्रॉपर्टीज और उसका नेचर जानने से हमें क्या पता चलेगा, दैट सिस्टम होल सिस्टम का नेचर पता चलेगा। अब नेचर में क्या जानना है, मान लीजिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं, क्या वो डायनेमिक है, डायनेमिक का मतलब है कि वो घूम रहे हैं या फिर कहीं स्टैटिक तो नहीं है। ओके, क्या उनका फिक्स पोजीशन है, मींस कोई पोजीशन है उनका, या फिर कुछ मोमेंटम है। ओके, अगर पोजीशन मोमेंटम है तो क्या वो
कौन सी स्टेट को अप्रोच कर रहे हैं। ओके, तो इसको हम कह सकते हैं कि उनकी पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है किसी स्टेट में रहने की। ओके, तो पॉसिबिलिटी, दैट पॉसिबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करने से पहले हम प्रोबेबिलिटी को जानेंगे। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी क्या है सिस्टम को या किसी एटम को या ये पार्टिकल को जानने की, कि वो कौन सी स्टेट में है, क्या पॉसिबिलिटी है उसकी। क्या एक स्टेट में, जैसे आपका एनर्जी स्टेट E1 है ये मान लीजिए, और ये एनर्जी स्टेट E2 है, दिस इज योर एनर्जी स्टेट E3, तो क्या एक एनर्जी स्टेट पे एक सिंगल एटम होगा या फिर बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं। ओके, एटम कह लो या पार्टिकल कह लो, यहाँ पे हम पार्टिकल्स की टर्म्स में बात करेंगे। तो सिंगल स्टेट में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है। ओके, ये सब जो है हम स्टैटिस्टिक्स में स्टडी करेंगे। और आप जानते हैं कि एक सिंगल स्टेट पर जो पॉसिबिलिटी है, अगर सिंगल है, सिंगल पार्टिकल रखना है, अगर एक अप स्पिन के साथ, एक डाउन स्पिन के साथ, या फिर जितना मर्जी आप रख लो अप स्पिन के साथ, डाउन स्पिन के साथ, तो इस तरह की जो स्टैटिस्टिक्स है वो हम स्टडी करते हैं, इस स्टैटिस्टिक्स को नाम दिया जाता है दैट वन पार्टिकल कैन बी ओनली इन वन स्टेट और मे बी इन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सिट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इस स्टेट को हम क्या करते हैं, दैट इज फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। या फिर एक स्टेट में जितनी मर्जी आपकी पार्टिकल्स आ सकते हैं, दैट स्टेट योर बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। एक अनदर स्टैटिस्टिक है, दैट इज फर्मी सॉरी मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो ये सारी स्टैटिस्टिक्स जो है ये फर्दर हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। उससे पहले, स्टैटिस्टिक्स में जाने से पहले, हमें जो है डेफिनेशंस, प्रोबेबिलिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका जानकारी हमें होना बहुत जरूरी है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, छोटी छोटी टर्म्स हैं उनको हम डिफाइन करेंगे आज यहाँ पे, कि प्रोबेबिलिटी को जानने के लिए हम कुछ टर्म्स यूज करते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज का स्टैटिस्टिक्स में, फर्स्ट वीडियो जो है ये हमारी बेसिक्स के ऊपर है, कि जो प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशंस हैं वो क्या क्या हैं। ओके, तो प्रोबेबिलिटी में एक टर्म यूज की जाती है, टर्म्स एंड डेफिनेशंस। ओके, तो फर्स्ट टर्म है दैट इज ट्रायल, ट्रायल एंड इवेंट। ओके, कब कहेंगे हम कि एक ट्रायल हो रहा है या एक इवेंट हुआ। ओके, कंसीडर कर लेते हैं हम एक कॉइन। तो कॉइन में आपको पता है एक साइड आपका हेड होगा और सेकंड साइड जो है वहां क्या होगा, टेल होगा। तो जैसे ही मैंने इस कॉइन को उछाला, ओके, तो ये क्या हुआ, मेरा ट्रायल। और ट्रायल होने के बाद जैसे ही मुझे, या तो नीचे गिरा जब ये, तो नीचे गिरने से क्या हुआ, या तो मुझे टेल मिलेगा या फिर हेड मिलेगा। और का मतलब है या तो टेल मिल सकता है या फिर हेड मिल सकता है। तो ये जो पॉसिबिलिटी है हेड या टेल होने की, इसको कहते हैं इवेंट। ओके, इवेंट का मतलब ट्रायल होने के बाद जो हमें हेड मिल रहा है या टेल मिल रहा है, दैट इज योर इवेंट। सेकंड डेफिनेशन है दैट इज एग्जॉस्टिव इवेंट्स, दैट इज एग्जॉस्टिव
इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या है? द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स कितनी है इन अ ट्रायल? ओके, पॉसिबल आउटकम्स कितनी है किसी ट्रायल में? तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, अपना एक क्वाइन ले लिया हमने, अगेन ट्रायल किया, इवेंट मिला हमें, या तो हेड है या टेल है, तो इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है, पॉसिबल आउटकम कितनी है इसकी? दो है, टू। कैसे? एक हेड है और एक टेल है, दो ही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम डाइस का। अब देखिए, डाइस जो है हेक्सागन होता है, ये आपका छह फेसेस होते हैं इसके, सिक्स फेसेस, तो सिक्स फेसेस है तो पॉसिबिलिटी क्या है? या तो वन आएगा, या टू आएगा, या तीसरा फेस आएगा, या चौथा फेस आएगा, या पांचवा, या छठा। तो पॉसिबल कितनी है? सिक्स, टोटल पॉसिबिलिटी, दैट इज योर एग्जॉस्टिव इवेंट। नेक्स्ट इज फेवरेबल इवेंट, थर्ड फेवरेबल। अब फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल आप देख सकते हैं कि फेवरेबल जैसी कंडीशन होती है कई बार, तो उसको यूज कर लेते हैं हम फेवरेबल वर्ड। द नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल इन एन इवेंट इज द नंबर ऑफ आउटकम्स विच एंटेन्स द इवेंट ऑफ हैपनिंग। लेट अस इलैबोरेट इट मोर। मान लीजिए आपने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कार्ड्स का, एग्जाम्पल ले लेते हैं कार्ड्स का। तो कार्ड्स कितने होते हैं आपके टोटल? 52। ओके, अब 52 कार्ड्स में 26 कार्ड जो होते हैं आपके, वो कैसे होते हैं? रेड कार्ड। ओके, और किंग कितने होते हैं? किंग दैट इज 4। फाइन, तो 56 क्या है आपकी टोटल आउटकम्स हैं, तो इसको हम कहेंगे 56 क्या है हमारी। तीसरा एग्जांपल आप कार्ड्स का भी ले सकते हैं, दैट इज 52। 52 क्या है? एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं किसी कार्ड के। ओके, तो देखिए 52 टोटल है इसके, और फेवरेबल इवेंट्स के लिए अगर हमने देखना हो तो हम कहेंगे कि किंग्स की कितनी फेवरेबल कंडीशंस हैं, फेवरेबल इवेंट फॉर फेवरेबल इवेंट्स फॉर किंग, तो कितने होंगे? That is 4 out of कितना? 52। ओके, उसी तरह से रेड कार्ड के लिए फेवरेबल इवेंट्स कितने होंगे? That is 26 out of 52। फोर्थ डेफिनेशन इज दैट इज मीचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होंगे? एग्जिस्ट नहीं करेंगे, टू इवेंट्स, नो टू इवेंट्स साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट।
ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल अगेन हम कौन सा ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कॉइन्स का अगेन। ओके, तो कॉइन में एक सिंगल कॉइन लिया मैंने और एक हेड है, दूसरी साइड इसका टेल है। ओके, तो इसमें क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट अगर इसमें देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ इस इवेंट को होना है तो या तो हेड ही आएगा या फिर टेल ही आएगा। मतलब ये इवेंट जो है ऐसा नहीं होगा कि हेड भी आएगा और टेल भी आएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कहेंगे, दैट इवेंट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगला है फिफ्थ नंबर इज इक्वली इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स। अगेन एग्जाम्पल हम हेड और टेल का ले लेंगे, तो यहाँ पे जितनी पॉसिबिलिटी हेड के आने की है उतनी ही पॉसिबिलिटी क्या है टेल के आने की है। ओके, एग्जाम्पल हम टू हेड ले लें, सॉरी टू कॉइन्स ले लें, टू कॉइन्स ले लें, तो इसका हेड हेड और टेल टेल, जो जितनी पॉसिबिलिटी इसके हेड आने की होगी, इसके हेड के आने की होगी, उतनी पॉसिबिलिटी इसके इन दोनों के टेल के आने की प्रोबेबिलिटी होगी। ओके, तो इस तरह के इवेंट जो है उनको हम क्या कहते हैं, लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स। सिक्स इज इंडिपेंडेंट इवेंट, अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से हुए जो एक की प्रेजेंस जो है वो दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगी। ओके, अगर एक का हेड आ रहा है, ओके, तो दूसरे का अगर टेल आ रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है अगर ये हेड आया तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो दूसरे को अफेक्ट करेगी। तो इस तरह से हम ये स्मॉल स्मॉल डेफिनेशंस देखने के बाद हम प्रोबेबिलिटी की तरफ चलते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का अगर डेफिनेशन हम देखें तो प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, दैट इज अकरेंस ऑफ इवेंट। ओके, प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन, दैट इज अकरेंस ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेज इन विच द इवेंट अकर, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइक वेज, इक्वली लाइकली वेज। अगर इस प्रोबेबिलिटी को मैं अकरेंस कह दूं ऑफ इवेंट, अकरेंस ऑफ इवेंट, तो P ऑफ M इज इक्वल्स टू, ये आपका नंबर ऑफ वेज M ले लिया मान लीजिए, तो M क्या आएगा, M ओवर M प्लस N। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये अकरेंस ऑफ इवेंट के लिए है, अब नॉन अकरेंस के लिए क्या होगा, नॉन अकरेंस इसमें क्या होगा, जो पॉसिबिलिटी आपकी अकरेंस के आने की है वो क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। सो दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस P ऑफ M। ओके, मान लीजिए 100 प्रोबेबिलिटी है और 100 में से 20% जो है वो अकरेंस है, तो जो सब्ट्रैक्ट होगा वो क्या आएगा, नॉन अकरेंस का। तो यही है, हमने क्या किया, नॉन अकरेंस को क्या कर दिया, टोटल से सब्ट्रैक्ट कर दिया अकरेंस को। सो दैट विल बी योर नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट, विच इज फर्दर इज इक्वल टू 1 माइनस M ओवर M प्लस N एंड N ओवर M प्लस N, तो यहाँ क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। सो फर्दर इसमें एग्जाम्पल्स हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी को जो है हम कहाँ कहाँ देखने की कोशिश करते हैं। हम कॉइन्स में एग्जाम्पल लेंगे इसका,
हम कार्ड्स में एग्जांपल लेंगे इसका, ओके, फिर डाइस का एग्जांपल लेंगे, और इसके बेस जो है वो न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें जो है प्रोबेबिलिटी का जो है डेफिनेशन वो अच्छे से समझ आ जाए। सो इट विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो।